संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी से सीएमएस की भर्ती निकल गई है। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आया हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा डॉक्टर्स के लिए जिन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, तो इस जॉब के विषय में पूरी जानकारी वन टू वन देने वाला हूँ। इसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रयागराज.com। हमारे ब्लॉग पर लिंक वीडियो के नीचे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए डॉक्टर्स की वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए डेट क्या है। तो फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो 18/4/2023 से भरना स्टार्ट हो गया है। जो लास्ट डेट है वो 9/5/2023 अप टू 6 PM तक ही आप भर पाएंगे। रात को 9-10 बजे नहीं भर पाएंगे, 6 बजे पहले आप भर लीजिएगा। इसके बाद आप फीस जमा करने की लास्ट डेट देखेंगे तो 9 तारीख ही है। एग्जाम डेट जो होगा वो 16 जुलाई 2023 को होने वाला है। जो एडमिट कार्ड होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा बिफोर एग्जाम, ठीक। इसके साथ देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 200 रुपए देना है फॉर्म को भरने के लिए फीस। SC ST PH कैटेगरी वालों को 0 रुपीज है, यानी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट जो है वो भी, उनके लिए भी ये फॉर्म फ्री है। जिन कैंडिडेट को 200 रुपए देना है वो अपना जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी फीस को जमा कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर एज की मैं बात कर लेता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होगी। तो 1/8/2023 से आपकी एज गणना होगी। न्यूनतम अभी डिक्लेयर नहीं है और अधिकतम आयु आपकी 32 वर्ष होनी चाहिए और आप फॉर्म को भर पाएंगे। उम्मीदवार का जन्म देखिए दिखा हुआ है यहाँ पर, 2/8/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। 1991 से पहले यदि है तो फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। यूपीएससी सीएमएस 2000 भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट मिलेगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि अभी उसमें नोटिफिकेशन में, हालांकि वर्बली भी मैं बता देता हूं कि जैसे जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलती, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिल जाती है, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिल जाती है। बाकी और जो भी छूट है कैटेगरी वाइज वो आप नोटिफिकेशन में अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो 1261 पोस्ट है यहाँ पर। देखिए ये 4 पोस्ट है, इन सभी 4 पोस्ट के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। टोटल सभी के अलग अलग यहाँ पर मेडिकल गार्ड इन मेडिकल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी मेडिकल है, ऑफिसर सब करके यहाँ पर देखिए 584 पोस्ट है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो पास्ड होने चाहिए कोई, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पास्ड है ऑब्लिक अपेयरिंग मेडिकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, वो भी MBBS की एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया से, इंडिया के माध्यम से आप अगर है तो फॉर्म को भर सकते। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन मैं दिखा दूंगा अभी नोटिफिकेशन क्या है, ठीक। इसके बाद देखिए जो शॉर्ट फॉर्म में है ADMO के, वो भी रेलवे से है वैकेंसी। उसके बाद NDMS भी है, इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और GDMO के लिए भी ये वैकेंसी है शॉर्ट फॉर्म में, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर GDMO, ठीक है, इसके लिए 376 पोस्ट है। उसके बाद NDMS के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो DMS रेलवे के लिए 300 पोस्ट है और 584 टोटल पोस्ट है। इसके लिए एग्जामिनेशन जो सेंटर, अगर आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह है, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, मुंबई हो गया, नागपुर हो गया, पणजी, हैदराबाद, ये सब जितने चंडीगढ़, चेन्नई है, पूरे भारत से है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। विशाखापट्टनम है, उदयपुर है। ये तो बात हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जो भी आप सेंटर भरेंगे वहाँ पर आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म को देख लेते हैं, तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि है कैबिनेट मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2023। ये रहा इसका पेज, इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना, पहले नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को आप वही सारी जानकारी जो है आपने पीछे देखा, हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है, ये सब कुछ आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। वही सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दी। यहाँ पर इसके लॉन्ग में देखिए यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, अभी आपको देखिए यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि कितने किस में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। वही सारी चीजें मैं पहले से इस यहाँ से देख के वहाँ पर कैटेगरीज के माध्यम से कैटेगराइज करके यहाँ पर देखिए एज 32 वर्ष है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ में देखिए ये PDF काफ़ी 28 पेजेस का है। देखिए क्वालिफिकेशन वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है MBBS जो है मैंने जो बताया था, तो वही सारी चीज़ें हैं। फीस वगैरह भी यहाँ पर देख सकते हैं, फी
तो वो भी सब कुछ रीड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस नोटिफिकेशन में आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके क्वेश्चन कर सकते हैं प्रयागराज पर आगे, यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, यहाँ पर नई नई वैकेंसियाँ मैं ट्वीट करता रहता हूँ, या इंस्टाग्राम पर भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारियाँ देता रहता हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, यहाँ पर भी। हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नई नई जॉब की वैकेंसी सरकारी जॉब के लिए और मेडिकल जॉब के लिए प्रयागराज अध्ययन को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा आपको नया जो है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं यानी आपने फॉर्म भर चुका है, लॉग इन आई डी पासवर्ड मिल गया, आप यहाँ पर ई मेल आई डी और ओ टी पी डाल के जनरेट करके आप लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन आपको फ्रेश कैंडिडेट है तो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके साथ में आप यहाँ पर अपना नाम डाल दें, वेरीफाई नाम डाल दें, उसके बाद जेंडर है आप वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ डाल के कैप्चर कोड को डाल के सबमिट कर लें। यदि फॉर्म आप नहीं भर पा रहे हैं प्लीज कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमसे, हम आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा देंगे। तो यही छोटी सी जानकारी देनी थी, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, फॉर्म को जल्दी से भर लें। और ये हमारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर भी आके जल्दी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, बाकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट भी मैं कर दूंगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।